नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट तैयार करने का आधार क्या होगा। शिक्षा मंत्रालय कह रहा है कि रिजल्ट का आधार 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इस असेसमेंट के आधार पे ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, पर इस प्रपोजल को लेकर के अभी कोई फॉर्मूला साफ नहीं किया गया है। इसी पर हमको आज चर्चा करनी है और मेरे खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप आगे की राह कैसी होगी थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल दें और सभी मेहमानों का आप परिचय भी करवा दें। धन्यवाद मनविंदर जी, जैसी आपकी हमारी कल चर्चा हुई थी, जो विषय है इसी पे चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं बहुत वरिष्ठ शिक्षाविद भी हैं, समाज सेवी भी हैं और भी कई क्षेत्रों में जुड़े रहे हैं। शोभित यूनिवर्सिटी के नाम से संस्थान वो चलाते हैं जो सिर्फ शिक्षा नहीं देता बल्कि व्यक्तित्व का विकास करता है। कुंवर विजय शेखर, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हैं। मेरठ में जब सहोदय की स्थापना हुई तो उसके फाउंडर और सचिव श्री राहुल केसवानी जी हमारे साथ हैं, जो शिक्षा के जो भी आजकल अपडेटेड वर्जन है या जो नए तौर तरीके हैं, जो नई प्रणाली है, नई शिक्षा नीति पे भी वो बहुत अच्छी दखल रखते हैं और आज की परिस्थिति में जो हमारा विषय है मुझे लगता है कि वो एक अच्छी सारगर्भित बात कह सकेंगे। हमारे साथ अदित राज है जिसने 2016 में ये परीक्षा पास की थी, वो बीबीए कर चुका है, विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, उसके क्या विचार है, उसके मन में क्या आता है और जो सबसे बड़ी आज के समय में जरूरत है जो मुझे लगा, तो हमने प्रसिद्ध मनोविज्ञानी हैं, शिक्षाविद हैं और सामाजिक सरोकारों में डूब के काम करने वाली, दूसरों की पीड़ा समझने वाली, बहुत ही संवेदनशील हृदय वाली डॉक्टर मुर्दला हमारे साथ हैं। तो ऐसे समय पे जब तनाव का समय है उनसे हम बाद में बात करेंगे और आज की औपचारिक शुरुआत में करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं, डॉक्टर कर्मेंद्र भी हमारे बीच आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बड़े थैंक यू कर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर कर्मेंद्र कई स्कूलों को नेतृत्व कर चुके हैं, टीम को लीड कर चुके हैं और शिक्षा जगत में एक विशेष नाम रखते हैं। तो इससे पहले कि मैं राहुल केसवानी जी को आमंत्रित करूं, थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगा। आज के अगर आप अखबार देखें तो सब में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद जो समर्थन में, कुछ लोग विपक्ष में, कुछ असमंजस, कुछ संशय, इनको लेके चर्चाएं होती रही हैं। उसमें एनसीईआरटी के डॉक्टर राजपूत पहले अध्यक्ष थे, उनका भी एक आर्टिकल था, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हालांकि उन्होंने भी यही कहा कि भाई सबसे पहले स्वास्थ्य है, बाकी बातें बाद में, और उनको ये भरोसा है कि सीबीएसई के पास और देश में ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ये आकलन वैज्ञानिक ढंग से और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी बातें करूं, एक सूचना और देना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश ने भी अपनी बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला कर लिया है। इस विषय पर राजनीति भी बहुत गर्म है और बहुत कम बोलने वाले और कभी कभी बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक मैं ट्वीट अभी देख रहा था, उसकी जो की त्यो भाषा वर्बाटिम तो बोलना उचित नहीं होगा, पर उन्होंने इस पर कमेंट जरूर किया है कि ऐसे व्यक्तियों ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया जिन्होंने कभी ऐसी परीक्षाओं का सामना नहीं किया। हमारी असल में जो पूरी शिक्षा प्रणाली है वो बड़ी परीक्षा केंद्रित है। बच्चा पढ़ता है, वो हाफ ईयरली एग्जाम की चिंता नहीं करता, यूनिट टेस्ट की चिंता नहीं करता, और उसे बोर्ड की चिंता रहती है, बोर्ड के लिए वो ध्यान लगाता है। ऐसे में जो ये आकलन होगा वो कितना वैज्ञानिक होगा, कितना रियलिस्टिक होगा, इसके लिए मैं राहुल केसवानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मन में आ रहे संशयों को, संदेहों को दूर करें ताकि हमारे पाठक और हमारे श्रोता भी आपकी बात सुन सके। मैं बाद में डॉक्टर शेखर से कहूंगा कि वो सब बातों को निचोड़ निकाल कर उसका निष्कर्ष करके कंक्लूड करेंगे, जैसे एक मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं ना, तो ऐसे कुंवर शेखर साहब से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वो हमारे
कंक्लूडर होंगे एंड वो अध्यक्षता जी करेंगे। राहुल केसवानी जी से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अनुरोध करूंगा। जी सब पहले सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से मेरी जी, आवाज सबको सुनाई दे रही है। जी 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 थोड़ी सी तेज हो जाए तो बेहतर है सर, आवाज आ रही है वैसे। पुष्पेन जी बहुत अच्छा है कि आप लोग इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां पर इसके बारे में चर्चा हो सके। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो जो आज का हमारा विषय है वो आने वाली मूल्यांकन पद्धति, शायद उसी पे हमें डिस्कशन करना है, शायद मैं सही कह रहा हूँ। अभी हमने देखा कि 12th क्लास की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया गया और धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं कि और भी सारे बोर्ड्स धीरे धीरे अपने एग्जाम्स को 12th क्लास को कैंसिल करने जा रहे हैं। ये सही है या गलत है ये तो बड़ा ही डिबेटेबल है। कुछ एंगल से हम देखते हैं तो ये सही है और कुछ एंगल से हम देखते हैं तो ये गलत है। तो हम सही और गलत के बातें ना करें तो ज्यादा, और कुछ बात करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सरकार निर्णय ले चुकी है, सीबीएसई निर्णय ले चुका है, बाकी बोर्ड निर्णय ले चुके हैं, तो ऐसे समय पे हम लोगों को ये देखना है कि इसके आगे क्या है, अगला कदम क्या है सरकार का, अगला कदम क्या है, हमें उस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सीबीएसई ने जो ये निर्णय लिया, क्योंकि सीबीएसई पूरे देश में फैला हुआ है और सभी राज्यों में सीबीएसई के स्कूल्स हैं, सारी यूनियन टेरिटरीज में सीबीएसई के स्कूल हैं, लगभग 24,000। कोरोना की परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से हैं, कहीं पर कोरोना का केसेस ज्यादा हैं, कहीं पर कोरोना के केसेस कम हैं। अगर सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाने का निर्णय लेता तो एक महीने डेढ़ महीने डिपार्टमेंट एग्जाम होता, फिर उसका तो शायद इन सब प्रक्रियाओं में 2-3 महीने 4 महीने चले जाते। तो हमने ये तो देखा ही कि हमारा जो करंट ईयर था यानी 2021, जिसके ये बच्चे हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं कोरोना से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो ही गया। मगर हम अगला साल 2021 जिसमें ये बच्चे ग्रेजुएशन में आते हैं, किसी भी तरह के ग्रेजुएशन में, मेरी रिक्वेस्ट है अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वॉइस बैकग्राउंड में आ रही है। जी जी सही कह रहे हैं राहुल जी, सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें और राहुल जी आप प्लीज थोड़ा सा लाउडली बोलिए। जी 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 तो जी। ऐसे समय पे हमारे सामने ये इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है कि 2020-21 तो हमारा डिस्टर्ब हो ही गया, क्या किसी तरह से हम 21-22 को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अगर 6 महीने बाद 21-22 का सेशन शुरू होगा, ग्रेजुएशन का सेशन शुरू होगा, तो उनका सिलेबस पूरा नहीं होगा, 12th क्लास तो डिस्टर्ब हो ही गई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई बार लगता है कि निर्णय सही भी है कि बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल किया गया। अब कम से कम 1 तारीख को निर्णय हो गया तो हम 1-1.5 महीने के अंदर 12th क्लास का रिजल्ट तैयार करने की पोजिशन में होंगे स्कूल्स, और उसके बाद बच्चे अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन्स ले लेंगे। कुछ बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को इंडिया में ही पढ़ना है, अलग अलग डिग्री कोर्सेज में जाना है, कुछ बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में भी एडमिशन लेना है, उन सब की भी समय सीमा निर्धारित होती है, और अगर उस समय सीमा के अंदर हमने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया तो उनके एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं या समस्याएं आ सकती हैं, वो सेशन भी लेट हो सकता है। इस सब चीज को देखते हुए तो दोनों ही मिक्सचर ओपिनियन है कि हम उसे सही भी मान सकते हैं और हम उसको गलत भी मान सकते हैं। अब दूसरी समस्या आती है कि अगर अब सीबीएसई ने एग्जाम तो कैंसिल कर दिए, अब मूल्यांकन की पद्धति क्या होगी, मूल्यांकन का फॉर्मूला क्या होगा, इवेल्युएशन हम करेंगे किस बिहाफ पे, क्या इंटरनल बेसिस पे ही मार्क्स को डिसाइड कर दिया जाएगा। हमने 10th में देखा है, मैं पहले 10th की बात कर दूंगा तो 12th उससे अपने आप रिलेट हो जाएगी। 10th में सीबीएसई ने जो एक फॉर्मूला डिवाइस किया उसमें जितने भी बच्चे ने इंटरनल मार्क्स दिए थे, जिसमें यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट हम उसे कहते हैं, हाफ ईयरली हम उसे कहते हैं, प्री बोर्ड्स भी बहुत सारे स्कूल्स कई बार एक प्री बोर्ड कंडक्ट करते हैं, कई बार एक से ज्यादा प्री बोर्ड भी कंडक्ट करते हैं, तो सबका मिक्स करके उन्होंने एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करी। जब ये सीबीएसई का 10th क्लास का फॉर्मूला आया तो पहली नजर में देखते ही लगा कि भाई ये क्या है, ऐसा कैसे कर दिया सीबीएसई ने, इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं। फिर मैंने ये सोचा, हम लोगों ने अपनी एसोसिएशन में ये कंक्लूड किया और उस पर थोड़ा सा मंथन भी किया कि अगर ये फॉर्मूला नहीं तो कोई और फॉर्मूला क्या होगा।
तो और भी बहुत सारी चीजें दिमाग में आई। तो लास्ट में समझ में ये आया कि हम जो भी फॉर्मूला निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे देश की पिछले साल की परिस्थितियां बहुत अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रही हैं। कहीं पर कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा रहे, जहां पर बहुत ज्यादा केसेस रहे वहां पर एग्जामिनेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हुआ, कहीं पे ऑनलाइन हुआ, कहीं पे ऑफलाइन हुआ, कहीं पे सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हुए, कुछ जगह पर आधे ऑनलाइन हुए, आधे ऑनलाइन नहीं हो पाए, कुछ बच्चों ने एग्जाम दिए, कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए, इस तरह की चीजें बहुत सारी हमारे हमारे देश में होती रही। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हाल रहा, अलग अलग शहरों में अलग अलग हाल रहा और अलग अलग स्कूलों में भी अलग अलग। तो एक कोई कॉमन पद्धति निकालना, एक कोई कॉमन फॉर्मूला निकालना जिसमें सारे 24,000 स्कूल फिट हो जाएं, ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अगर मुझे ही निकालना पड़ जाए तो शायद मैं कोई ऐसा फॉर्मूला जो फ्लॉलेस हो, जिसमें किसी भी तरह की कोई एरर ना हो, वो एक बड़ा डिफिकल्ट होगा। 12th क्लास के बारे में भी हम सुन रहे हैं कि शायद 10th, 11th और 12th, या फिर एक और बात भी सुनी जा रही है कि 10th और 12th दोनों का, 10th का फाइनल बोर्ड का मार्क्स और 12th का इंटरनल असेसमेंट के सारे मार्क्स। अब फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होगा तो ये तो CBSE बताएगी, मगर चर्चा करने के उद्देश्य से इनमें से हम 10th, 11th, 12th को लेते हैं या सिर्फ 10th और 12th को लेते हैं, जो भी फॉर्मूला निकालेंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे, ये नेचुरल सी बात है। मगर ऐसे समय में हमको देखना ये है कि अगर हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो विच इज द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन, जो सारे सारे राज्यों में और सारे स्कूलों पर एक साथ, सारे बच्चों पर एक साथ फिट बैठ सके। ऐसे में हमको लगता है कि जो 12th क्लास का बच्चा है उसका लास्ट असेस्ड जब वो बोर्ड के द्वारा असेसमेंट हुआ है, दैट हैपेंड इन क्लास 10th ओनली, यानी आज से 2 साल पहले, तो उसका रिजल्ट उठा लेते हैं। और फिर 11th, क्योंकि पूरा स्कूल में इंटरनल सारी चीजें होती थी तो शायद उसको छोड़ सकते हैं। 12th क्लास के जितने भी इंटरनल, अब 12th क्लास के भी एग्जामिनेशन सिस्टम पे CBSE का कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, अलग अलग स्कूल्स उसको अलग अलग तरह से करते हैं। कुछ स्कूल्स 4 यूनिट टेस्ट करते हैं, एक हाफ ईयरली करते हैं, फिर एक प्री बोर्ड करते हैं, कुछ यानी टोटल 6 एग्जाम करते हैं, कुछ 7 एग्जाम भी करते हैं, कुछ 5 एग्जाम भी करते हैं, कुछ स्कूल्स में ये ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, कुछ स्कूल्स में कुछ ऑनलाइन हुए हैं, कुछ ऑफलाइन हुए हैं। ऑनलाइन में हम देख रहे हैं कि बच्चों के पास, क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही दे पाते हैं, तो वो बस टिक 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 करते चले जाना है। वो 1 घंटे का या आधे घंटे का या 45 मिनट का पेपर है, उसमें कई बार बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ भी पूछ लेते हैं, कई बार गूगल पे उसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो उसके अपने फ्लॉज हैं। जब हम ऑनलाइन का रिजल्ट देखते हैं तो हमको ये पता लगता है कि ज्यादातर बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आ गए या उनकी परसेंटेज बहुत हाई हो गई, इतनी एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, ऐसा बहुत देखने को मिलता है। और जब वही बच्चा फिजिकल एग्जाम देता है, जैसे कि यूपी में पिछले साल 19 अक्टूबर को स्कूल्स खुल गए थे 9 to 12th के लिए, तो बहुत सारे स्कूल्स में फिजिकल एग्जाम भी कंडक्ट हुए हैं, तो वही बच्चा जो ऑनलाइन में 100 में से 90 नंबर लेके आया, वो जब फिजिकल एग्जाम पे आया तो 30, 40, 50 नंबर रह गए। ऐसे केस में सब चीजों को समाहित करना और एक फॉर्मूला में फिर कहूंगा डिराइव करना, इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर CBSE आल्सो। लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट फॉर्मूला इज CBSE गोइंग टू डिराइव। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो फॉर्मूला फ्लॉलेस होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, जब हम उसको अलग अलग एस्पेक्ट से देखेंगे, अलग अलग बच्चे के एस्पेक्ट से देखेंगे, अलग अलग स्कूल या स्टेट के एस्पेक्ट से देखेंगे, तो उसमें डिफरेंसेस निकलेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मगर ऐसी कंडीशन में हमें बेस्ट पॉसिबल वे आउट निकालना है, दैट्स इट। तो इसीलिए हमको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, CBSE क्या चीज निकल पाती है। ये चीजें बच्चों के हित में होंगी या नहीं होंगी, मैं फिर कहूंगा कि हमारा पिछला साल यानी 2021 बहुत डिस्टर्ब रहा कोरोना की वजह से। हमारा फोकस जो डिस्टर्ब हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मगर हमारा एफर्ट ये होना चाहिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी 21-22 में जब अपनी ग्रेजुएशन के किसी भी कोर्स में जा रहे हैं, कम से कम वो साल ज़्यादा बेहतर हो सके। हमारा सारा ओरिएंटेशन इस चीज की तरफ होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही राहुल जी ने, लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है कि बहुत सारे असमंजस हैं आकलन को लेके, और जब वहाँ विद्वान बैठेंगे या वो वैज्ञानिक बैठेंगे उनमें जरूर एक बहस होगी और कौन सा रास्ता वो अपनाएंगे इसका जवाब हमें मिलेगा। इस बीच शरद चंद्रा जी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरठ में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसके बारे में परिचय देना पड़े।
कितने बच्चों को उन्होंने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में रोजगार दिलवाया और मेरठ को भी एक ख्याति इसकी वजह से मिली क्योंकि बाहर के बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। शरद चंद्र जी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, डॉक्टर कर्मेन सिंह जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आज हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, मनमोहन जी का मैंने सिर्फ जिक्र किया था एक रेफरेंस में। तो जैसे राहुल केसवानी जी की बातों से लगा कि वो मेरे ख्याल से कल से अब तक इसी उधेड़ बुन में रहे होंगे, कितने विचार उनके मन में आ रहे थे, कितने विचार उनके मन से फिर वो अपने आप उस तर्क को काट भी रहे हैं, फिर कह भी रहे हैं। तो ऐसा ही मुझे लगता है परिस्थिति आ गई है कि बेस्ट वे आउट क्या निकलेगा। मैं डॉक्टर कर्मेन सिंह जी से समझना चाहूंगा कि वो इस पर कैसे सोचते हैं। हेलो जी डॉक्टर, पा रहे हैं आपको? जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट। ओके, मैं इस मीटिंग में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहां अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। ये जो क्लास 12th का एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया है, हमारे पास इसका स्वागत करने के अलावा और कोई वे आउट है नहीं। लेकिन ये जो अचानक निर्णय हुआ, ऐसा मैं जहां तक समझता हूं सीबीएसई चाहती नहीं थी कि ये 12th का एग्जामिनेशन कैंसिल हो, क्योंकि ये 12th एक करियर ओरिएंटेड क्लास है और इसको पास आउट करने के बाद बच्चों को अपना करियर चुनना पड़ता है। डिफरेंट बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंडस्ट्रिस्ट बनना चाहते हैं या किसी और लाइन में जाना चाहते हैं। तो ये जो कैंसलेशन हुआ है, इससे जो मेधावी बच्चे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो लगातार इतने दिनों से, जो चूंकि हर साल मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो जाया करते थे, लेकिन इस बार अब ये देखिए जून आ गया तो बड़े परेशान थे, लगातार पढ़ रहे थे और कई बच्चे तो इस तैयारी में थे कि मुझको अपने कॉलेज को, मुझको अपने शहर को, मुझको अपने बोर्ड को टॉप करना है। उनको बड़ा मायूसी हाथ लगा है, बड़े मायूस हैं वो। और चूंकि ये जो अभी जैसे राहुल जी ने भी डिस्कशन किया कि किस प्रकार से सीबीएसई इसका आकलन करेगी, ये तो फार्मूला अभी आया नहीं है। कल मैं जो सीबीएसई के सेक्रेटरी थे उनको भी सुन रहा था और उनको काफी कुरेदने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या फार्मूला तय होगा जिससे कि बच्चों का सही सही आकलन किया जाए। लेकिन फिर भी जो चीजें सामने आ रही हैं, मैं समझता हूं कि 10th क्लास में और 12th क्लास में बहुत अंतर है। देखिए 12th क्लास में सीबीएसई की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है स्कूलों के लिए कि उनको ये पर्टिकुलर एग्जाम हर कीमत पे कराने हैं। तो स्कूल अपनी तरफ से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, कोई प्री बोर्ड एक करा लेता है, कोई दो करा लेता है और कुछ एक स्कूल तीन प्री बोर्ड भी करा लेते हैं। तो लेकिन 10th क्लास में, जहां तक मैं समझता हूं, सभी जानते हैं इस बात को कि सीबीएसई की तरफ से बड़ा साफ निर्देश है कि सभी स्कूलों को तीन एग्जाम तो कराने ही कराने थे, पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2, पीरियोडिक 3, और फिर हम अपनी तरफ से प्री बोर्ड एग्जाम करा लेते हैं। और जरूरी नहीं कि सब स्कूलों ने यूनिट एग्जाम कराया हो। और जिस प्रकार का फार्मूला सीबीएसई ने 10th क्लास में दिया है, तो मैंने देखा जिस दिन हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वेबिनार अटेंड कर रहे थे, उनसे विभिन्न प्रकार के ये क्वेश्चन लोगों ने पूछे जिन्होंने, जिनके स्कूलों में कुछ नहीं हुआ। और क्योंकि लास्ट ईयर बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए, पिछले साल तो बच्चों ने क्लास अटेंड की और काफी एग्जामिनेशन मेन एग्जाम हो गए थे, केवल 2-3 पेपर बचे थे, उनके आधार पर सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इस बार का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, ना ही बच्चों ने कोई क्लास अटेंड की है, 2-3 महीने बच्चों ने क्लास अटेंड की है और वो भी उसमें सभी स्कूलों ने केवल प्रैक्टिकल कराए और प्रैक्टिकल फाइनल प्रैक्टिकल हुए, उसके मार्क्स हम लोगों ने सेंटर को भेज दिए। लेकिन अब कौन सा फार्मूला होगा, मैं समझता हूं कि जो भी फार्मूला हो और बच्चे जो, चूंकि पास तो होंगे बच्चे, लेकिन इन बच्चों पर एक ठप्पा जरूर लग जाएगा, ये कोविड वाला रिजल्ट है।
और इनको लाइफ में इसके लिए कितना सफर करना पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता। हालांकि सीबीएसई ने बच्चों को जस्टिफिकेशन देने की भी कोशिश की है कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से सहमत ना हो वो जब भी स्थिति नॉर्मल होगी उस स्थिति में वो बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकते हैं और अपना रिजल्ट अपनी मेहनत के आधार पर ले सकते हैं। अभी जो हम 10th का रिजल्ट भी बना रहे हैं उसमें हमको मैं समझता हूँ, चूंकि मैं यहाँ सहदे का महान का चेयरमैन भी हूँ, डिफरेंट प्रिंसिपल्स अपनी डिफरेंट समस्याओं को रख रहे हैं और उनको 10th का रिजल्ट बनाने में भी बिंबर मैडम बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुष्पेंद्र जी आसानी से वो बन नहीं पा रहा है और अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनायर हैं जो हमने सीबीएसई में दिए हुए हैं, उनका अभी आंसर आना बाकी है। और तो अब आगे 12th में किस प्रकार का वो क्राइटेरिया रखते हैं, चूंकि 10th में तो हमने एग्जाम कराए थे और 12th में तो बहुत सारे स्कूल्स तो मैं नहीं समझता उन्होंने ये एग्जाम कराए होंगे, और किसी ने एक कराया होगा, किसी ने दो कराया होगा और सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो कि भविष्य में उन्होंने अभी 15 दिन का टाइम शायद मांगा है हमारे सीबीएसई के सेक्रेटरी साहब ने, 10-12 दिन के अंदर अंदर कोई ना फार्मूला वो हम लोग को देंगे और उस फार्मूले पर हम लोग पूरा अपनी तैयारी के साथ काम करेंगे। जो स्कूल से उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं हम निश्चित तौर पर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और बच्चों को अच्छे से अच्छा लाभ मिल सके और जस्टिफिकेशन मिल सके ऐसी हमारी कोशिश होगी। लेकिन ये बड़ा दुखदायी भी है और एक तरीके से चूंकि बच्चों का जहां तक हेल्थ को और सेफ्टी को लेकर के लिया गया निर्णय है ये उस हिसाब से तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन चूंकि 15 दिन अभी और इंतजार हमको करना है और इसके बाद हमको टाइम भी मिलेगा कि 1 महीने के बाद या कितने दिन बाद हम लोगों को रिजल्ट तैयार करके देना है, फिर भी मैं समझता हूँ इसको 1-2 महीना तो निकल ही जाएगा और हो सकता है तब तक स्थितियां नॉर्मल हो जाती और अगर एग्जाम हो जाते ऐसा भी हो सकता था। पुष्पेंद्र जी वेस्ट बंगाल ने तो अपने एग्जामिनेशन का कह दिया कि वहां पर एग्जाम होंगे, अब ऐसे कुछ स्टेट और ना आगे आ जाए तो उनमें कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वहां के बच्चों ने एग्जाम दिया और हमारे सीबीएसई के बच्चों ने या बहुत सारे स्टेट के बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। लोग जब नौकरी ढूंढने के लिए जाएंगे, किसी कंपटीशन में बैठेंगे, उनका क्या क्राइटेरिया होगा? ये बड़ा एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और हम सभी शिक्षक को इसके लिए बड़ा एक मेंटल परेशानी हम लोगों के सामने खड़ी हो गई है। जिन बच्चों को भविष्य को सुधारने का हम काम करते हैं उनको किस प्रकार से हम जस्टिफाइड कर पाएंगे, यही मेरा कहना है। और मैं समझता हूँ सीबीएसई को समस्या के साथ बहुत अच्छा कहा आपने, राहुल जी के बाद आपके भी हमने विचार सुने और दोनों ने ही एक बात के लिए मुझे आश्वस्त किया जिससे मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली कि आप दोनों की सोच बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि जब आप दोनों जैसे विद्वान यहाँ पर बैठे हैं मेरठ में और देश भर के विद्वान मिलेंगे तो कोई अच्छा रास्ता जरूर निकाल लेंगे। शरद चंद्रा जी हमारे बीच हैं और अभी तक हमने बात की स्कूलों की कॉलेजेस की, वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या इस निर्णय से वो उन्हें भी लगता है कोई दिक्कत आएगी या वो अपना प्रवेश का जो उनकी प्रक्रिया है एडमिशन प्रोसेस उसको किसी और तरह से करेंगे या नया कोई इवोल्यूशन उनके दिमाग में आ रहा है। ऐसे ही और भी संस्थान देश में हैं, वो इस बारे में कैसा सोच रहे हैं इसकी झलक हमें शायद शरद जी से मिल पाए। रिक्वेस्ट शरद जी टू प्लीज। पुष्पेंद्र जी मुझे ऐड करने के लिए धन्यवाद और मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों को मेरा अभिवादन नमस्कार। देरी से ज्वाइन करने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी एडमिशन और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए जो ये 12th क्लास की एग्जामिनेशन का कैंसिल होना है तो कहीं ना कहीं सुकून देने वाला तो नहीं है बच्चों को। और बिल्कुल सारे पॉइंट्स को राहुल जी ने बड़े अच्छे से कवर किया, अभी डॉक्टर साहब ने भी
सभी पॉइंट्स को कवर किया और ये बताया कि जितने भी मेधावी छात्र हैं, मेधावी छात्रों के लिए तो ये थोड़ा मैं इसको सेटबैक की तरह ले रहा हूँ। बाकी ये है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस अभी वेट करेंगे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, क्योंकि अधिकतर जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन सभी के अंदर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा एडमिशन्स किए जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग के वेरियस काउंसलिंग्स होती हैं, मेरिट्स बनती हैं। और इस बात को अभी खैर कह पाना बहुत क्या हुआ, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा होगा प्रोफेशनल कॉलेजेस भी इस समय, सिर्फ चूंकि दो ही दिन हुए हैं तो इस समय प्रोफेशनल कॉलेजेस भी सोच रहे हैं कि आगे इन लोगों की प्रवेश प्रक्रिया जो है गवर्नमेंट की ओर से क्या डायरेक्शंस आएंगे। बाकी एज फार एज स्टूडेंट्स इज कंसर्न, मुझे लगता है स्टूडेंट्स कम्युनिटी बहुत खुश तो नहीं है और नहीं होगी, और बहुत नीटिग्रिटी पॉइंट्स तो खैर बेटर स्कूल प्रिंसिपल्स, और क्योंकि क्या होता है ट्वेल्थ क्लास तक स्टूडेंट्स की जो साइकोलॉजी स्टूडेंट के ट्वेल्थ क्लास तक के टीचर्स और प्रिंसिपल्स समझ पाते हैं उसको तो खैर कोई और समझ भी नहीं सकता है। तो राहुल जी ने और डॉक्टर कमिंस जी ने जो पॉइंट्स कवर करे उन सबको हम सब लोगों ने सुना, और प्रोफेशनल कॉलेजेस अभी फिलहाल इंतज़ार करेंगे गवर्नमेंट के डायरेक्शंस का, और जो जितनी भी हमारी एफिलेटिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो आने वाले जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज इसके अंदर AIEEE है, IIT है और ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशन वाइड पैन इंडिया लेवल पर किए जाते हैं, तो वो किस प्रकार, क्योंकि ट्वेल्थ का रिजल्ट निकालने के लिए हो सकता है कि टेंथ के कुछ मार्क्स को ले लिया जाए या ट्वेल्थ क्लास के जो हाफ ईयरलीज हैं, जो मिड टर्म एग्जामिनेशन हैं, उनका उनको आधार बना लिया जाए, उनको बेसिस के बेसिस पर उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन चूंकि प्रोफेशनल कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की या जितने भी हायर एजुकेशनल, तो उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। अब ये थोड़ा सा समय बताएगा, आने वाले 15 दिन बहुत क्रूशल है इस मामले में कि गवर्नमेंट और इसके बारे में क्या डिसीजंस लेती है और कितना सारी चीज़ों को एक अच्छा ऐसा वे आउट निकाल पाती है कि स्टूडेंट्स और एग्जामिनिंग बॉडीज या जो हायर एजुकेशनल या प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उसके अंदर बच्चे अपनी पढ़ाई बाकी की और अपना, देखिए 2020 और 2021 में जो भी सेटबैक रहा, इस दौरान जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए उनके लिए भी थोड़ा सा मैं तो कहूँगा दुर्भाग्य ही रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हम लोग कॉलेज में जिनको बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज से ऑफर लेटर मिल गए थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी रही कि कंपनीज उनको, बहुत सारी कंपनीज ऑनर भी नहीं कर पाई क्योंकि उनके जो एस्टेब्लिशमेंट थे वो एस्टेब्लिशमेंट्स लॉकडाउन की वजह से और बिजनेस ना होने की वजह से बहुत ही उन्होंने मिनिमल स्टाफ बेसिस पर काम किया। तो इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, ये है कि थोड़ा सा आने वाले 15 दिन क्रूशियल है, हमारी तो खैर बहुत बहुत अच्छी बातें कही शरद जी ने, बिल्कुल जो हकीकत है वो शरद जी ने बयां करी, और क्योंकि वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देते हैं तो सभी को मालूम है कि लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई तो वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री थी, होटल्स का जो वित्तीय मतलब उन पर बोझ पड़ा और जिस तरह से हुआ, तो हो सकता है वो बच्चों को ऑफर देने के बाद भी हायर ना कर पाए। आई एग्री। अभी आदित्य हमारे साथ थे, आदित्य आदित्य जुड़े हुए हैं क्या? आदित्य आप हैं क्या? मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और इससे पहले कि हम कुंवर शेखर के पास जाएं, हमारे बीच डॉक्टर मृदुला हैं। आप देखिए डॉक्टर साहब, आपने राहुल जी को भी सुना, डॉक्टर कर्मेंद्र को सुना, किस तरह से ये लोग भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं, और जैसे शरद जी ने बताया बहुत हकीकत की बात उन्होंने करी, और ऐसे समय में कोविड के कॉल में लॉकडाउन में जब वो इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं तो फाइनेंशियल बर्डन्स भी बढ़ते हैं, और जब बच्चों को जॉब नहीं मिला होगा तो जितना बच्चों को खराब लगा होगा उतना ही शरद जी को भी जरूर खराब लगा होगा। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे और जो आगे जाएंगे, इस डिसीजन से पहले वो किस तनाव में थे, इस डिसीजन के बाद उन पर कैसा तनाव होगा, इसके बारे में हम आपकी ऐसी सलाह चाहेंगे
कि जो सारे बच्चों और परिवार में अभिभावकों को वो सुनने को मिलेगी, तो ऐसे कठिन समय में आपकी सलाह उनके बहुत काम आएगी। बस एक ही बात है कि इस निर्णय के पीछे जान बचाना या जान है तो जान है का मुख्य उद्देश्य रहा है, तो उसमें कुछ समझौता शायद करना पड़ता है। ओवर टू डॉक्टर मृदुला, प्लीज। थैंक यू पुष्पेंद्र जी, और मैंने अभी तीनों वक्ताओं को सुना और मैं बहुत प्रभावित हुई उनकी बातों से कि कितना बच्चों के लिए कंसर्न है। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहूंगी कि आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है, क्योंकि पहले कुछ इससे पहले आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है, ठीक आ रही है। थैंक यू जी। तो पहले तो जो सीबीएसई डिसीजन लेगी 15 या 20 दिन में, मेरा मानना है उसमें काफी सारे चेंजेस होंगे। और एक मैं अपना सजेशन ये देना चाहूंगी कि प्रिंसिपल्स या जो स्कूल के इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं, वो भी उनको लिखें कि कुछ इंटरनल असेसमेंट का भी कोई सेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनल असेसमेंट का कुछ सेक्शन होगा तो जिन टीचर्स ने उन बच्चों को पढ़ाया है वो उनके बारे में कुछ अपना आंकलन दे सकेंगे और वो मूल्यांकन उसमें जुड़े, तो वो एक तरह से एक अच्छा पैकेज बन के आएगा कि एक अच्छा फॉर्मूला बनकर आएगा कि ये बच्चों के साथ कुछ जस्टिस हो सका। कुछ हाई स्कूल से लेंगे, कुछ इंटरनल एग्जाम से लेंगे, कुछ इंटरनल टीचर्स का असेसमेंट हो, प्री बोर्ड्स का हो, तो ऐसा कुछ आप भी अपने कुछ सुझाव ज़रूर भेजिए सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स को। दूसरा, कोई भी एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम इज़ ऑलवेज बेटर देन एनी फार्मूला दैट विल बी अराइविंग एट। हमारे यहाँ साइकोलॉजी में एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है जिसमें हम कहते हैं कि जो 66% बच्चे हैं वो मध्य में आते हैं, तो ये जो भी फार्मूला होगा वो 66% बच्चों के लिए तो बिल्कुल ठीक जाएगा। लेकिन जैसा डॉक्टर सिंह ने कहा कि जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा, और वही वो ग्रुप है जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करेगी। तो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों की मेंटल हेल्थ को देखें कि वो किस प्रकार, क्या वो महसूस कर रहे हैं, उनकी एंजाइटी को देखें, लो फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं, बट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 12th के बच्चों का एक छोटा सा एक सेमिनार रख सकते हैं और किसी को भी एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे बात करा सकते हैं। कई बार बच्चा अपनी भी बात कहता है, दूसरों की बात सुनता है, जो कि उसको लगता है कि मेरे फेलो फ्रेंड्स ने भी ये बात कही, वो भी इसके मध्य से गुजर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा असर पड़ता है। पीयर ग्रुप का, इस वाला जो ये ग्रुप है उस पर पीयर ग्रुप का ज़्यादा असर पड़ता है इंस्टेड ऑफ कि हम टीचर को ही दें। पेरेंट्स का भी है कि जितना वो उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, फ्रेंडशिप करके थोड़ा उससे बातचीत करेंगे कि ठीक है ये थोड़ा फेज है, निकल जाएगा, प्रतिभा कभी छुपी नहीं रहती है, फिर से उभर कर आएगी, हम किसी और तरीके से इसको निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे विकल्प होंगे आगे आगे। और इस तरह से हमें उनको ये बताना कि लाइफ इज नॉट जस्ट एग्जाम एंड नॉट ओनली एट दिस लेवल, देयर सो मच इन लाइफ अहेड एंड वी कैन गेन एनी टाइम। तो उनको हमें ये कन्विंस करना होगा कि आगे भी जाकर हम कुछ भी गेन कर सकते हैं, ये एक फेज है, एक डेढ़ साल में निकलेगा, इसका ट्रिकलिंग इफेक्ट भी आएगा। जैसे सर ने कहा कि वो कोविड फेज का रिजल्ट कहलाएगा ये वाला, तो कोविड फेज के रिजल्ट के बाद भी हम इसमें कुछ कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बेसिकली हमारी अपना एटीट्यूड और हमारी अपनी हार्ड वर्क इसमें शामिल होगा और हम आगे किसी लेवल पर, अपनी कॉलेज के लेवल पर इसको, अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन यस, 12th क्लास जो है एक बहुत डिसाइसिव ईयर है फॉर एडमिशंस, एंड आई कैन नॉट से कि देयर विल बी फेयर एडमिशंस। अभी तक भी बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती थी कि चिल्ड्रन ऑलवेज कंप्लेन कि फेयर एडमिशन प्रोसेस नहीं है, तो इस साल सफरिंग उनकी ज़्यादा होगी। लेकिन पेरेंट्स को भी उनको तैयार करना होगा और स्कूल्स को भी उनको तैयार करना होगा। आप वर्कशॉप करा सकते हैं, 1:1 उनसे बात कर सकते हैं, अपने स्कूल में कोई काउंसलर अपॉइंट कर सकते हैं जो उन बच्चों से बात कर सकें। साथ साथ आप सीबीएसई को अपने अपने फॉर्मूलाज भी ज़रूर भेजिए। मेरा मानना है कि अगर इंटरनल असेसमेंट आ जाएगा जो कि टीचर्स ने पढ़ाया है और उनका असेसमेंट भी कहीं कुछ 20% या 25% वो शामिल होता है, तो कहीं ना कहीं
कुछ बैलेंस आ सकता है जो कि इस फॉर्मूले से उनका बच्चों का घटेगा। एवरेज बच्चों के लिए अच्छा है, जो बहुत अच्छे मेधावी छात्र नहीं है उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जो क्रीम है, जो मेधावी छात्र है, वो डेफिनेटली इससे प्रभावित होंगे। अब अगर आप कोई टिप्स ही चाहते हैं कि भाई बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और स्कूल्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और हमें उनको क्लियर करके बताना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअलाइज भी करना पड़ेगा, उनकी सुननी भी पड़ेगी, एम्पैथाइज भी करना पड़ेगा और फ्यूचर के लिए उनको होप भी देनी पड़ेगी, तभी हम कुछ मेंटल हेल्थ से लड़ सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत पॉजिटिव बातें आपने कही है, हमेशा ही आपके पॉजिटिव रहती हैं, अच्छी बातें सुनने को आपसे मिलती है, इंस्पायर होते हैं सब लोग। कुंवर शेखर बीच में अदित आ गए, कुंवर शेखर साहब आप जुड़े हैं साहब, कुंवर शेखर दिखाई नहीं दे रहे, अदित तुम बात सुन रहे थे सबकी, कुंवर जी जुड़ चुके हैं, हाँ आ गए कुंवर साहब हैं, आदित कुछ कहना चाहेंगे आप? स्टूडेंट मैं चाहूंगी कि आदित अपनी बात रखे, पुष्पेंद्र जी आदित अपनी बात कहिए ब्रीफ में। जी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से इस टाइम पे कॉलेजेस और स्कूल्स को लिंक अप करना पड़ेगा, उन्हें साथ में कोऑपरेट करके काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं, जैसे आप सभी ने कहा कि 12th सबसे डिफाइनिंग ईयर माना जाता है, तो बच्चे सीबीएसई में स्पेशली 11th और 12th में इतना फोकस नहीं करते पढ़ाई पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा सारा का सारा रिजल्ट जो बोर्ड्स का है वो मैटर करेगा, वो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अब अगर इवैल्यूएशन जैसा भी हो, जैसे आपने कहा था कि इवैल्यूएशन परफेक्ट नहीं होगा, उसमें फ्लॉलेस नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम आएंगी, तो मेरे हिसाब से कॉलेजेस को ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स करने चाहिए। जैसे कुछ कॉलेजेस ने प्रपोज किया है कि वो लोग क्या करेंगे, वो बच्चों से कहेंगे कि आप ही क्वेश्चंस बनाएं और आप ही उन क्वेश्चंस के आंसर्स बताएं और हमें वो भेजें, और क्वेश्चन मैच नहीं कर सकते और किसी से, क्योंकि बच्चों को जो आदत होती है वो जैसे पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करते हैं, तो आप वो क्वेश्चंस यूज़ नहीं कर सकते, आपको अपने क्वेश्चंस बनाने हैं, और क्वेश्चंस बनाना आंसर्स बनाने से ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की। तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बच्चों को जानकारी मिले, इस चीज़ का भी फायदा मिले कहीं ना कहीं से, क्योंकि हम सब मार्क्स लाना तो सीख चुके हैं पर हम लोग अभी भी पढ़ाई की वैल्यू नहीं सीखे, ये चीज़ हमें वहाँ से निकल के आएगी, हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। और कॉलेजेस में ये बात भी सही कही मैम ने, बिल्कुल सही कहा कि जो क्रीम है उन्हें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो लोग अपने टारगेट करते हैं अपने कॉलेजेस कि हमें आ जाना है, हम 98% लाएंगे, पर अब इवेल्यूएशन चाहे जैसा भी हो वो मेरिट नहीं होएगा, उनके साथ मैच नहीं कर पाएगा, तो उन्हें वो कराने के लिए एक सपोर्ट चाहिए जो ऐसे मिलेगा कि कॉलेज लिंक करें। और मेरे हिसाब से ये तभी होएगा अगर दोनों के दोनों आपस में बैठ के काम करें और एक क्लैरिटी आए दोनों के माइंड में कि उन्हें किस तरह के बच्चे चाहिए, और आगे भी ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये सिस्टम बहुत अच्छा है विदाउट एनी डाउट, पर हम लोग एक सिस्टम से बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर चुके हैं, हमें बाकी चीज़, जैसे अब हम स्कूल से कॉलेज में बच्चे आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है, उन्हें प्रैक्टिकल थॉट इतना नहीं होता, वहाँ पर जाके उन्हें स्कूल में उन्हें सिखाया जाता है कि पढ़ना कैसे है, कि आपको ये समझना कैसे है, कॉलेज में आपको ज़्यादा डीप लर्निंग मिलती है, तो अभी से अगर बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करा जाएगा तो एक अच्छा फायदा मिलेगा इन्हें मेरे हिसाब से। आदित बहुत अच्छा लगा, नहीं कि हम एक स्टूडेंट को सुन रहे हैं, लग रहा था कोई बहुत मैच्योर आदमी जो है, बड़ी उसकी थॉटफुल एंड स्पीकिंग है ना आदित, थैंक यू आदित। कुंवर साहब हमारे साथ हैं, सबने अपने विचार रखे हैं, कुंवर साहब को बहुत अनुभव है और वो इसका अध्ययन भी करते रहते हैं सामाजिक समस्याओं का भी, सबकी बातें सुनी, अब हम सुनेंगे कुंवर शेखर साहब को, वो क्या कहते हैं। थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। कल हम लोग इस विषय पे बात कर भी रहे थे, एक इनफॉर्मल टॉक हो रही थी जहाँ ये विषय था कि स्कूलों में जिस तरह से सीबीएसई ने डिक्लेयर किया और उसके बाद डिफरेंट बोर्ड्स भी अब डिक्लेयर कर रहे हैं कि देयर विल बी नो एग्जामिनेशन, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी मैं सुन रहा था सभी लोगों को, तो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने की है, मुरलीधर शर्मा जी ने उस बात को टच भी किया, वो ये है कि ये डिसीज़न सरकार ने लिया क्यों। अभी हम बीच बीच में इस बात को कह रहे हैं बच्चों में स्ट्रेस होगा, बच्चों में एंजाइटी है,
There is a bell graph theory which says that 66% will be beneficiary, middle जो होता है, बचे हुए लोगों को नुकसान हो सकता है. तो वन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन जो इसलिए लिया गया क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं. ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन में लिया गया डिसीजन है. अब जहां तक इसमें हम ये देखें कि इसमें असेसमेंट कैसे होगा, बच्चों को जो है इससे फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, सीबीएसई के सेक्रेटरी का क्या कहना है, मैं एसोचैम का एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल है, मैं उसका नेशनल को चेयरमैन भी हूँ. तो अनुराग त्रिपाठी जी जो सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के, उनके साथ इंटरेक्शन होता रहता है इस पूरे विषय पे. ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट कोई डिसीजन लिया गया, ये एक ऐसा विषय था जिस पर डिसीजन तो लेना ही था, लेकिन ये था वो डिसीजन कब लिया जाए. दूसरे यदि हम आज की लाइट में देखते हैं, अभी अदित ने कुछ बातें कही, मैं अदित को हम सबसे ज़्यादा होशियार इसलिए मानता हूँ कि ये एक नई पीढ़ी का बच्चा है, ये वो चीज़ें देख और जान रहा है जो हम लोगों ने नहीं देखी. अभी यदि मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखता हूँ, उसमें एक कंटिन्यूस असेसमेंट की बात की गई, उसमें ये कहा गया कि जो सिस्टम है दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन वन एग्जामिनेशन. ये ठीक है, इस बार ये जो हो रहा है ये फोर्स्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ही होना है. आज सुबह ही मैं एक राउंड टेबल डिस्कशन में था जिसमें मेरे साथ आईआईटी के आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर थे प्रोफेसर राव, और वहाँ जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन पे ही कोई बातचीत थी, तो वहाँ भी ये विषय आ रहा था कि सिलेक्शन में क्या किया जाए. तो मुझे अच्छा लगा जब आईआईटी के डायरेक्टर ने कहा कि हमारा अभी यूजी लेवल का सिलेक्शन तो वही रूटीन है, लेकिन हमने पीजी एंड रिसर्च लेवल पे अपने आप को बहुत रिलैक्स किया है. जहाँ तक ये है कि बच्चों के एडमिशन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, नई एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात करूँ या अदरवाइज भी देखूँ, तो एडमिशन बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर परसेंटेज पे बेस्ड हैं. उसमें मेजरली दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, जिसे लेके भी बहुत चर्चाएँ हैं कि वहाँ भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए. और यदि इस तरह का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, यदि मैं इवन आईआईटी की बात करूँ, मेडिकल की बात करूँ और बहुत सारे विषयों पर बात करूँ, तो वहाँ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है. और जब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो वहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये आपकी परसेंटेज से ज़्यादा आपकी नॉलेज का एक बहुत बड़ा रोल है जिसे आपको प्ले करना. दूसरी एक बात जो हमें समझनी है और धीमे धीमे अपने सभी स्कूलों में भी हमें लानी है, जितने चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हैं या यूपी बोर्ड के स्कूल हैं, आज हमारा सबका फोकस या प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं. आज हम सब लोग क्या एक मान के चल रहे हैं, स्कूल लेवल तक होता है कि मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट कैसा है, और नॉलेज से ज़्यादा हमारा फोकस एक रिजल्ट पे है, और इंस्टीट्यूशंस में यूनिवर्सिटीज़ में हमारा फोकस है इसका प्लेसमेंट कैसा होता है. एक बात जो आज बहुत समझने की है, वो समझने की ये है कि अब धीमे धीमे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे समाज में नई नई चीज़ें आई हैं, और पिछले एक सवा साल में जिस तरह से डिसरप्शन हुआ है कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम का ग्लोबली, इस डिसरप्शन के बाद एक नया क्रिएशन शुरू हुआ. और वो क्रिएशन क्या है कि जो क्लासरूम टीचिंग है, जो हम कहते थे ना सेग ऑन द स्टेज, अब उसकी जगह टीचर को लर्निंग में आना होगा, को लर्नर बनना पड़ेगा. व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जो अभी हम कह रहे थे कि हमने पढ़ा दिया, अब जो हम क्लासेस में पढ़ा रहे थे वो हमारे से अच्छा आज ऑनलाइन अवेलेबल होने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ मूक्स, इन द फॉर्म ऑफ अदर लेक्चर्स, इट विल बी अवेलेबल देयर. अब हमें इतिहास की क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, इतिहास को आपस में बैठ कर समझने की जरूरत पड़ने वाली है. साइंस में जो थ्योरी है वो थ्योरी पढ़ाने की स्कूलों को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पढ़ी है और उससे अच्छी पढ़ी है जो मेरा टीचर पढ़ा पा रहा है. अब हमें उसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, एक प्रैक्टिकल वे में लाने की जरूरत है. तो ये जो एक डिसरप्शन आया है कोविड की वजह से, इस डिसरप्शन में सारी की सारी चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है. तो मेरा अपना मानना यह है कि इस टाइम हम पैनिक, कन्फ्यूजन्स, एंग्जाइटी
इन जैसे शब्दों को ना तो हम बहुत ज़्यादा महत्व दें ना इस्तेमाल करें, और अपने बच्चों को जो इस बात को लेके कंसर्न है उन बच्चों को भी इस बात को हमें बताने की ज़रूरत है कि ये जो सारे स्किल्स या ये जो परसेंटेज है वो शायद आपसे कोई फ्यूचर में ना पूछे। आज मेरे से शायद कोई नहीं पूछता है कि मेरे कितने नंबर आए थे ट्वेल्थ में। उसकी सिर्फ अहमियत उस एक दिन तक थी जब मैंने एडमिशन लेने गया था मैं यूजी प्रोग्राम में, और वो अहमियत भी अब कम होती जा रही है क्योंकि सबको पता है पूरे विश्व में हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ये पूरे विश्व में हुआ है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है आपका ये प्रोग्राम सिर्फ एक स्टूडियो तक सीमित नहीं है, ये आगे भी जाएगा, कुछ स्टूडेंट भी देखेंगे, पेरेंट्स भी देखेंगे। इस कोविड ने हमें दो चीज़ें नहीं सिखाई हैं। पहली तो ये सिखाई है कि जो लाइफ स्किल्स हैं वो जो एजुकेशन के ये जो डेटा हैं जो इंफॉर्मेशन है जिसे हम नॉलेज के नाम पर रट रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शोभित यूनिवर्सिटी की यदि मैं बात करूँ, यहाँ एक स्कूल ऑफ गम्पशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, और जहाँ एक सेवन सीज की मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा मानना यह है कि हर स्कूल को भी आज नहीं तो कल इस पे फोकस करना होगा। जो पहली ट्रांसक्रिप्ट है, जिस ट्रांसक्रिप्ट को लेके आज हम चिंतित हैं कि CBSE या UP बोर्ड या कोई और बोर्ड उस तरह की ट्रांसक्रिप्ट कैसी बना के देगा, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, दोज ट्रांसक्रिप्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी टेम्परेरी इन फ्यूचर। जो सेकेंड ट्रांसक्रिप्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सेवन सीज की, मुझे लगता है आने वाले समय में चाहे वो प्लेसमेंट्स हो, चाहे वो जीवन में कामयाब होने वाली बात हो, और चाहे वो एंटरप्रेन्योर बनने की जगह हो, कोई भी चीज़ हो जीवन में, वो सेवन सीज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस पे हमें काम करना है अपने स्टूडेंट के साथ। हमें उन्हें क्यूरियसिटी सिखानी है, हमें उन्हें करेज देना है, हमें उन्हें कंपैशन सिखाना है, कमिटमेंट देना है, कोलैबोरेशन सिखाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कामनेस और कम्युनिकेशन सिखाना है। जो मृदुला जी बात कर रही थी, हो क्या रहा है, हम बच्चों में कामनेस नहीं डाल पा रहे और कम्युनिकेट करना नहीं सिखा पा रहे। दे कैन नॉट कम्युनिकेट, जो उनके पास है वो हमें बता ही नहीं पा रहे हैं। कम्युनिकेशन डज नॉट मीन कि मैं कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब है मैं अपनी बात को जिस वक्त उसे बताना है क्या बता पा रहा हूँ। तो ये जो सेवन सीज हैं, आने वाले समय में इसी पे काम होना है, क्योंकि जो भी हम टेक्नोलॉजीज की बात करें या बेसिक बातें करें वो सब बदलती रहेंगी। आज मान लिया AI की बात हो रही है, बहुत सारे कॉलेज बिग डाटा पे बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे बात कर रहे हैं, स्कूल्स बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। इन सब की एक शेल्फ लाइफ है। जब हम लोग पढ़ते थे जो चीज़ हमने पढ़ी है उसकी भी एक शेल्फ लाइफ थी, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ध्यान ये रखना है कि ये जो एक निर्णय लिया गया, ये निर्णय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में लिया गया। और एक गाना है, सी की एक लाइन है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। तो ये जो जिंदगी की जीत है वो तो तभी है जब हम जिंदा हैं, और यदि हम जिंदा हैं तो जीतेंगे। तो बच्चों को सिर्फ मैं यही ही कहना चाहूँगा, इसके लिए एक बहुत 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 टेम्परेरी फेज है, एक बहुत छोटी सी बात है जीवन की, इसे छोड़ दीजिए। और सभी बहुत अच्छे कोर्सा आपके वो करें, पर जो आपने कोर्सा एंजाइटी और उसकी बात की, आप कुंवर साहब बहुत ना आइडियल वाली इस परिस्थितियों की बात कर रहे थे, जबकि परिस्थितियां आप खुद ही कह रहे हैं कि वैसी नहीं है सामान्य। लेकिन एक सामान्य परिवार और एक सामान्य बच्चा वो एंजाइटी और टेंशन से दूर हो नहीं पाता सर, है ना कुंवर साहब। होता ये है कि हालांकि वो 33% है, एज डॉक्टर मिथुला सेड, तो उसके लिए ये जो दिन जा रहे हैं, आप क्योंकि उस लेवल पे बैठे और लोगों से बातचीत की, तो आपके तो जो विचार है आपको तो क्लैरिटी हो गई। लेकिन ये संशय अभी कहीं ना कहीं है कुंवर साहब के, कैसे आकलन होगा, आगे की चीजें हैं नई शिक्षा पद्धति में, हमेशा होना चाहिए मेरे ख्याल से। बल्कि हमारे समय में भी मुझे याद है, मैं KVS का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहां पर भी यूनिट टेस्ट शुरू हो गए थे। उसमें भी टीचर्स क्या करते थे कि बजाय मंथली उसे छुट्टी लेनी है तो उसने एक हफ्ते पहले कह दिया है, वो तीन हफ्ते में उसने यूनिट टेस्ट कर दिया। तो एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, उसके अनुरूप नई चीजें स्वीकार करने में कष्ट तो होता है ना सर, जैसे आपने कहा, तो बदलाव की बयार है।
और कुमार साहब ने जो बातें कही बहुत अच्छी कही कि किस मतलब ओवरनाइट नहीं हुआ ये डिसीजन और असामान्य परिस्थितियों का निर्णय है, तो इसके साथ हमें चलना होगा। हमें छात्रों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, सभी को इसके साथ जीना सीखना होगा, कोरोना के साथ भी और नई शिक्षा पद्धति के साथ भी। तो कुंवर साहब का विशेषाभार जी। कुंवर साहब प्लीज प्लीज कहना चाहूंगा। देखिए हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज, हमारी जिम्मेदारी इस टाइम ये है कि हम उन बच्चों को उन पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। जैसे शोभित यूनिवर्सिटी में पिछले साल के अप्रैल से एक साइकोलॉजिकल कोविड हेल्पलाइन चल रही है, 24/7 है, उसका उद्देश्य यही है। दूसरे ये है, जब हर बच्चा नहीं जा सकता तो मैं हर स्कूल से भी अनुरोध करूंगा, आपके पास काउंसलर्स हैं, काउंसलर नहीं है तो टीचर्स हैं, हम हैं, सभी लोग हैं, तो उन बच्चों के साथ, वो बारहवीं में बच्चों का नंबर बहुत बड़ा नहीं है, वो 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, एक स्कूल में 400 होगा ज्यादा से ज्यादा, हमें उनके साथ इस पैनिक को कैसे दूर होना है इस पे बात करनी है। उन्हें सिर्फ एक बात को बताना है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और हम सब लोग इसमें साथ खड़े हैं, पूरा देश साथ खड़ा है, हर इंस्टीट्यूशन इसे समझ रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, IITs हैं, AIIMS है, कोई भी है, हम सब समझ रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो इसमें कहीं ना कहीं उसी तरह से सारी चीजें आएंगी। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे नोट पे मेरे ख्याल से हमारी बातचीत आज खत्म हो रही है, और आगे किसी विषय पे, ऐसे ही किसी विषय पे जिसमें अभिभावक हों, बच्चे हों, जो हमारा कोर है वो जुड़ा हो या समस्या में हो, तो हम आप लोगों को दोबारा कष्ट देंगे और दोबारा आमंत्रित करेंगे ऐसे ही विचार विमर्श के लिए। मनिंदर जी आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? नहीं, आपने कंक्लूड कर दिया है, सभी का धन्यवाद करती हूँ मैं, और इतने शॉर्ट नोटिस पे हम सब लोग एक साथ जुड़ पाए और इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे हमने बात की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिनको भी बुलाया था ऐसा नहीं लगा कि हमने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है, दे ऑल वर रेडी एंड दे हैव द पॉइंट, देयर ओन पॉइंट्स एंड अपनी समझ, ऐसे ही लोग हमें चाहिए, और जब तक ऐसे लोग हैं हमारा समाज आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू एवरी सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनिंदर जी, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू, थैंक यू कुमार शेखर सर, थैंक यू सर, थैंक यू चंद्रा, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मृदुला जी, थैंक यू सर, थैंक यू।